जब तक भारतीय जनता पार्टी आई है तब तक महंगाई बढ़ी है। तो मैं तो कहना चाहूंगा, कभी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि 200 रुपए के पार कड़वा तेल का दाम हो जाएगा। और पहले प्रधानमंत्री जी का 14 के पहले का अगर आप भाषण उठाकर देख लें तो डीजल और पेट्रोल के दामों पर तंज कसा करते थे। तो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और चुनाव के बाद आप फिर देखेंगे कि ये और बढ़ने का काम होगा। और मैं एक चीज़ और याद दिला दूं कि उस समय कच्चे तेल की कीमत भी उच्चतम स्तर पर थी, तब इतना था। और आज जो कच्चे तेल की कीमत कम है, तब भी पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की। और दूसरा मैं दृष्टांत देना चाहूँगा कि रावण के देश में ज़्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल है और राम के देश में ज़्यादा महंगा है। अब ये कैसी परिकल्पना रामराज की जो है ये करना चाहते हैं। नेपाल में चले जाइए, आप किसी भी हमारे पड़ोसी देश में चले जाइए, तो हर चीज़ें सस्ती हैं और भारत में हर चीज़ महंगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीपतियों के दम पर सरकार चला रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। जनता इनके लिए जो है गौण है, जनता इनके लिए कहीं ना कहीं मायने नहीं रखती। तो इसी के लिए मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा था कि ये चुनाव जनता लड़ रही है।